यस वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? हाँ बेटा बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से बेटा, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से और टाइम में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। हाँ इस समय 9 o'clock मोस्टली नेटवर्क का प्रॉब्लम रहती है। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। और क्लास का टाइम जो है बेटा फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से 8:30 कर दिया है, और इस बीच में मैंने 2 दिन से देखा है, एनालिसिस किया है, नेटवर्क प्रॉब्लम मोस्टली नहीं रहती है, ठीक है सर। और बेटा फर्स्ट अक्टूबर से लेकर के जय हिंद, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस फर्स्ट अक्टूबर से बेटा डेली 1 महीने तक मॉक टेस्ट चलेंगे बेटा, केवल सैटरडे को वोकैबुलरी क्लास हुआ करेगी। फर्स्ट अक्टूबर से बेटा डेली मॉक टेस्ट हुआ करेंगे या सीबी सिंह जी, बस एक दिन वोकैब की क्लास हुआ करेगी सैटरडे, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम है नवंबर में। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ थैंक्स थैंक्स राम, बहुत बढ़िया बेटा। यस तो सभी स्टूडेंट बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। प्रभु दयाल जी वेरी गुड इवनिंग बेटा। सो बेटा स्टार्ट की जाए, ये बेटा पिछले 3 दिन से क्लास पेंडिंग है, और कल आपके लिए मैं बिल्कुल कल आपके लिए बेटा मैं लेकर के आऊँगा, बिल्कुल मॉक टेस्ट लेकर के आऊँगा बेटा, और फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से फिर कंटिन्यू मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा बिल्कुल। सो पहला क्वेश्चन बेटा वंस अगेन आपके है, आप सामने है बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लॉस ऑफ मेमोरी के लिए कौन सा वर्ड आएगा, एम्ब्रोसिया, एमनेसिया, इंसोम्निया और फॉरगेटिंग। तो एम्ब्रोसिया होता है बेटा चरणाव्रत, क्या होता है बेटा चरणाव्रत, और एमनेसिया होता है बेटा स्मृति लोप, इंसोनिया होता है बेटा निद्रा रोग, और फॉरगेटिंग मींस भूलना। तो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, जल्दी से आपको उत्तर देना है, जल्दी से उत्तर देना है जल्दी से। ऑप्शन ए फ्लॉन्डर, ऑप्शन बी फाउंडर, ऑप्शन सी फंबल, देन ऑप्शन डी फिंगर, जल्दी से आंसर दे दीजिए बेटा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर जल्दी से देना है, क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से बेटा, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। ओके डियर वेरी गुड वेरी गुड। यस भूपेंद्र सिंह जी, राहुल कुमार, रॉबिन सिंह जी, मिश्रा जी, फाउंडर नहीं आएगा मिश्रा जी, फ्लॉन्डर आएगा बेटा, फ्लॉन्डर आएगा। वेरी गुड इवनिंग सबके लिए बेटा। अभिजीत शर्मा वेरी गुड इवनिंग। यस योगेश सिंह, यस हाँ मैं आपको बताता हूँ बेटा, फ्लॉन्डर होता है लड़खड़ाना, क्या होता है बेटा लड़खड़ाना, बिल्कुल लड़खड़ाना लड़खड़ाना, या सही नहीं दिख रहा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ बिल्कुल, आप दोबारा लिख देते हैं और आपको, यस यस दोबारा से इसको लिख देता हूँ, लड़खड़ाना, ठीक है यस। और असहाय रूप से, असहाय रूप से संघर्ष करना, लड़खड़ाने का मतलब यही है बेटा, कि कभी पढ़ लेना कभी छोड़ देना। और फाउंडर होता है बेटा संस्थापक, क्या होता है बेटा संस्थापक, और फम्बल होता है बेटा फूहड़पन, क्या होता है बेटा फूहड़पन, ठीक है। और फिंगर मीन्स उंगली, आप जानते ही हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बेटा ए,
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर थ्री, टू रिनाउंस अ हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, ऑप्शन ए एबडक्ट, ऑप्शन बी अबेंडन, ऑप्शन सी अबॉर्ट, देन ऑप्शन डी एबडिकेट। जल्दी से आपको आंसर देना है, वो एक फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। शिवम इंग्लिश अकेडमी, वेरी गुड इवनिंग बेटा। यस मिश्रा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं मिश्रा जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे जल्दी आंसर कौन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री जल्दी से आंसर देना बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सचिन कुंतल बेटा, कोर्स की क्लास भी होती है प्रभुदयाल की, लेकिन बेटा इस समय हमने थोड़ा सा टारगेट किया है मॉक टेस्ट का। हाँ बेटा, 1 अक्टूबर से बेटा मॉक टेस्ट होगा डेली, और संडे सैटरडे बेटा क्लास हुआ करेगी, केवल संडे सैटरडे क्लास हुआ करेगी, बाकी टाइम मॉक टेस्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल देखेंगे बेटा। हाँ एब्रप्ट मींस होता है बेटा भगा ले जाना, अबेंडन मींस छोड़ना या त्यागना, अवॉर्ड मींस गर्व गिराना, और एबडिकेट मींस बेटा पद त्यागना। तो आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन बेटा, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, इसका क्या ऑप्शन आएगा बेटा, रिगरस, नेग्लिजेंट, इनएक्जोरेबल और डेस्पॉट। जल्दी से आपको बताना है, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। हाँ मिस्टर बिल्कुल, हाँ बेटा भगा ले जाना, अपहरण करना एक ही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तेज सोंदिया, जल्दी से आपको आंसर देना है बेटा, जल्दी से सब लोग आंसर दे दीजिए। अभय शर्मा 4, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वेरी गुड, जल्दी से आंसर देना आपको, जल्दी से आंसर देना है। भूपेंद्र सिंह ठीक है, यस ठीक है, ओके डियर, वेरी गुड डियर, मैं आपको बताता हूँ बेटा, रिगोरस होता है बेटा, रिगोरस का मतलब ये होता है कठोर, नेग्लिजेंट होता है उपेक्षापूर्ण, और इनएक्जोरेबल मींस बेटा होता है कठोर, और डेस्पोटिक होता है बेटा तानाशाह। इसका आंसर है बेटा सी, रिगरस आता है ना बेटा, जो रिगरस आता है वो किसके लिए आता है बेटा, वो आता है इमोशंस के लिए, और ये आपका इन एक्जोरेबल आता है बेटा किसके लिए आता है, हाँ डिसीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपका आपका ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। देन अगला है बेटा, अगला है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज सैंपल, इसके लिए क्या सूटेबल ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए है स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी सेप्चर, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है बेटा, बिल्कुल, और स्पेक्टिकल और स्पेसिमेन, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर फाइव का सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है, चलो हाँ बिल्कुल लापरवाह एक ही बात है, राम मिस्टर राम आपने सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देना है सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर मुकेश कुमार जी, वेरी गुड बेटा, यस प्रभुदयाल ठीक है, यस हाँ बेटा देखेंगे, स्पेसिफिकेशन होता है बेटा विशिष्ट, सेप्चर मींस राजदंड, स्पेक्टिकल मींस बड़ा दृश्य,
या चश्मा और स्पेसिमेन जोड़ा नमूना, तो करेक्ट आंसर इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए इलेक्शन, ऑप्शन बी रेफरेंस, ऑप्शन सी पॉपुलरिटी, देन ऑप्शन डी रेफरेंडम। यस जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है। भूपेंद्र सिंह वेरी गुड, देवेश चंदेल, रॉबिन सिंह, प्रभुदयाल, ठीक है बहुत बढ़िया बेटा, यस के पी सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेरी वेल, यस डियर, हरिओम सिंह, ठीक, एक्सप्लेन किया जाए, हाँ बिल्कुल राहुल, बिल्कुल जन्म संग्रह, बिल्कुल बेटा, इलेक्शन इज चुनाव, रेफरेंस मीन्स संदर्भ, पॉपुलरिटी लोकप्रियता, और रेफरेंडम मीन्स होता है बेटा आपका जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। अगला है बेटा कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए स्टेटमैनशिप, डिप्लोमेसी, हायरार्की एंड प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर, भोलेनाथ वेरी गुड इवनिंग बेटा, यस दीपक शर्मा वेरी गुड, शिवम बघेल, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया, यस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से, सोनू रावत, और इस बार आपका आंसर गलत हो गया बेटा, बिल्कुल आपका आंसर गलत हो गया, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। हाँ स्टेटमैनशिप का मतलब है बेटा, हाँ शासन कला, शासन कला, डिप्लोमेसी मींस कूटनीति, हायरार्की मींस बड़ा सामंतवाद या महंतवाद भी कह सकते हैं आप इसे, महंत साहिब, और प्रोटोकॉल मींस नवाचार, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है बेटा, वन हु hides away on a ship to obtain a free passage, yes, number 1 compositor, number B stoker, number C stowaway, the number D shipwright। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है। वेरी गुड इवनिंग गुरा राठौर, यस चंदन ठाकुर गुड इवनिंग बेटा, यस क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 काम सर देना है, और राकेश जाट वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने दे दिया, वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, यस क्वेश्चन नंबर 8 कंपोजिटर मीन्स होता है बेटा अक्षर संयोजक, स्ट्रोकर होता है बेटा कोयला झोंकने वाला, ठीक है, स्टोवे होता है बेटा छिपकर यात्रा करना, छिपकर यात्रा करना, और शिपराइट होता है बेटा जहाज बनाने वाला,
आंसर हो गया बेटा आपका सी। अगला क्वेश्चन 9 है, क्यू अवेलेबल एट अ सीन, इसका क्या वन वर्ड हो जाएगा बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम एक शब्द में क्या कह देंगे। ऑप्शन ए है सर्कमस्टेंशियल, ऑप्शन बी डेरिवेटिव, ऑप्शन सी इन्फेरेंशियल, ऑप्शन डी सजेस्टिव। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। सोम उतरकर, प्रियंका भरंगर, दीपक शर्मा, भोलेनाथ, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है इस बार। यस क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बेटा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बेटा 9 का आंसर दे दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। यस एक्सप्लेन किया जाए बेटा, एक्सप्लेन कर दिया जाए, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। सर्कमस्टेंशियल होता है बेटा संयोगवश, क्या होता है बेटा संयोगवश। ठीक, डेरिवेट होता है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, और इन्फेरेंशियल होता है बेटा, बताइए क्या होता है जल्दी से बताइए, शाब्दिक। ठीक है, और सजेस्टिव मीन्स सांकेतिक, तो इसका सही आंसर है बेटा ए। ठीक है, अगला है अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, ऑप्शन ए विंडफॉल, फिलैंथ्रोपी, बेनिवोलेंस और टर्न स्टाइल, जल्दी से बताना आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना आपको, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से देना। क्वेश्चन नंबर 10, कौन बता रहा सबसे पहले, प्रभुदयाल बेटा सुबह का टाइम अब बिल्कुल खत्म कर दिया है बेटा, केवीएम स्टार्ट हो गया है, हाँ केवीएम स्टार्ट हो गया, सुबह बिल्कुल हमें टाइम नहीं मिलता है, हाँ सुबह टाइम नहीं मिलता है बेटा, आप शाम को ही क्लास होती है और आप शाम को होती है 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून बेटा, नहीं बेटा आपका बिल्कुल, हाँ सचिन कुंतल यू आर राइट, सचिन कुंतल का आंसर सही है, इसका करेक्ट आंसर है बेटा ए अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। फिलैंथ्रोपी होता है बेटा मानव प्रेम, बेनिवोलेंस होता है बेटा भलाई, बेनिवोलेंस मींस भलाई, और टर्न स्टाइल होता है बेटा चक्रवात। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा अन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, यस सभी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन आप कह सकते हो ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं आया हो। ऑप्शन एक है ऑनोरेरियम, ऑप्शन बी है सिनिक्वेयर, ऑप्शन सी है परक्विसाइट, ऑप्शन डी है प्रीरोगेटिव,
जल्दी से क्वेश्चन नंबर आपको 11 का आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देना आपको। एन एम्यूलेटिव ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, एक्सप्लेन किया है बेटा। देखो ऑनरेरी होता है बेटा मानदेय, सिनुकर हाँ, बिना दायित्व का पद, बिना दायित्व का पद पर प्रतिशत होता है बेटा अनुलाभ, और प्रेरोगेटिव होता है बेटा विशेषाधिकार। क्या होता है बेटा? विशेषाधिकार। इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है बेटा वो है सी। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 12 है द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, फ्लोरा, म्यूजियम, जू एंड फोना। ये फोर ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फोर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, फ्लोरा, म्यूजियम, जू एंड फोना। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन दे रहा है? सबसे पहले दीपक चौहान, नमस्ते बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आंसर देना बेटा। बिल्कुल बेटा, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा इसे। हाँ, फ्लोरा होता है बेटा हाँ विशेष प्रदेश की वनस्पति, म्यूजियम में संग्रहालय, जूमिस अजायब घर, और फोना बेटा बेटा विशेष प्रदेश की जंतु, जीव जंतु। ठीक है, हाँ, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। देन क्वेश्चन नंबर 13 बेटा साइंस ऑफ रेसेज ऑफ मैनकाइंड, साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बेटा हाँ जेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और इथोनोलॉजी और सोशोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से दिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से दिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से पहले कौन दे रहा है? बहुत बढ़िया, हाँ इस बार बेटा सबने बहुत अच्छे, सबने अच्छा प्रयास किया है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, जेमोलॉजी होता है बेटा रत्न शास्त्र या विज्ञान, शास्त्र विज्ञान। एपिस्टेमोलॉजी होता है बेटा ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। इथनोलॉजी होता है बेटा मानव जाति वर्णन विज्ञान, और सोशोलॉजी होता है बेटा समाज शास्त्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। देन क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है बेटा, अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, ऑप्शन ए है सबटरफ्यूज, ऑप्शन बी है मैनेवर, ऑप्शन सी है स्टेटमेंट, और ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्सिटी। जल्दी से आपको आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर जल्दी से देना है।
क्वेश्चन नंबर 14। An under device restored to in order to justify misconduct. जल्दी से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर से सबसे पहले किसने दिया है? 14 विष्णु कुशवाहा। वेरी गुड, बिल्कुल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बिल्कुल देखेंगे। सॉफ्टवेयर फ्यूज का मीन्स होता है बेटा बहाना या छल। बहाना या छल मैनेवर होता है बेटा युद्ध अभ्यास। स्टेटमेंट मीन्स कथन और कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिलता। जटिलता इसका ऑप्शन क्या हुआ बेटा? इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, यस। अगला है वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। क्वेश्चन नंबर 1 फिलिस्टाइन, इकोनोक्लास्ट, इंपोस्टर और कैनिबल। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपकी स्क्रीन पर जल्दी से आपको बताना। यस, 15 का आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं केबीसी नहीं, 15 का आंसर दीजिए। जल्दी से बेटा 15 का आंसर, 15 का आंसर बिल्कुल बेटा। मैं आपको बिल्कुल सबके आंसर बताऊंगा, सबके मैं हिंदी भी लिख दूंगा बिल्कुल बेटा। यस यस ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स। देखो फिलिस्टाइन होता है बेटा संस्कृत विमुख, संस्कृति विमुख, विमुख। इकोनोक्लास्ट होता है बेटा मूर्ति भक्षक, मूर्ति, यस भक्षक। इंपोस्टर बहरूपिया और कैनिवल बेटा नरभक्षी। ठीक है, देन अगला है क्वेश्चन नंबर 16, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। ऑप्शन ए मिरेकुलस, ऑप्शन बी इनएफेबल, ऑप्शन सी स्टपेंडस, देन ऑप्शन डी अपेलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आपको तो बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सबसे गलत है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 का, 16 का आंसर बेटा जल्दी से 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना है क्विक फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मिश्रा जी, इस बार आप धोखा खा गए मिश्रा जी, आप धोखा खा गए, आपने ध्यान नहीं दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू ट्राइड, दिस इज गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 15 का आंसर शायद बता दिया है, एक बार आपको मैं देख लेता हूँ बिल्कुल बेटा। हाँ 15 का आंसर आपको बेटा बता दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया, मार्क नहीं कर पाया, मूर्ति भक्षक ऑप्शन बी बेटा। ठीक है, हाँ हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताता हूँ, 16 में आपको बताता हूँ मिरेकुलस होता है बेटा चमत्कारिक, चमत्कारिक। इनएफेबल बेटा होता है वर्णन से परे, वर्णन से परे। और स्टपेंडस होता है बड़ा लाजवाब, लाजवाब। और अपालिंग भयंकर, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन 17 है बेटा, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, हाँ बिल्कुल। मोनार्की मीन्स राजतंत्र,
अरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग भी कहते हैं बड़ा से, अभिजात वर्ग कह लो या कुलीन तंत्र कह लो की बात। अभिजात वर्ग प्लूटोक्रेसी बड़ा धनिक तंत्र, और ब्यूरोक्रेसी बड़ा नौकरशाही, तो इसका सही आंसर क्या लगाया बेटा आपने, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है बेटा, वन हु वॉक्स इन स्लीप यस, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऑप्शन ए, बिल्कुल इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सुमना बुलिस्ट, ऑप्शन बी इगोइस्ट, ऑप्शन सी हाँ ओलिग्राची, देन ऑप्शन डी ऑल्ट्रुइस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन दे रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी सिंधिया, सबने बिल्कुल आंसर बहुत बढ़िया दिया है और यही मुझे उम्मीद थी, सब लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे। हाँ, वन वॉक्स इन स्लीप, उसके लिए वन वर्ड आता है बेटा सोमनाबलेस्ट, ईगोस्ट होता है बेटा अहमवादी हाँ, और ओलिगार्च होता है बेटा हाँ, ओलिगार्च होता है बेटा कुलतंत्र, और ऑल्ट्रुइस्ट में बेटा परोपकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, कमेंसमेंट ऑफ एडजेस्ट वर्ड्स विद द सेम लेटर, हाँ बिल्कुल ये आपका अलंकार से आ गया है बेटा, ऑप्शन ए है पन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिशियन, देन ऑप्शन सी ट्रांसफर्ड एपिटेट, देन ऑप्शन डी ऑर्जिमोन। ये तो सबने पढ़ा होगा, ये तो सबने पढ़ा होगा, आपको जल्दी से बताना है, बिल्कुल बेटा जल्दी से आपको बताना है, ये तो सबने पढ़ा, मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूं, इससे कहते हैं बेटा श्लेष अलंकार, इसे क्या कहते हैं श्लेष अलंकार, और अलैट्रेशन को क्या कहते हैं बेटा अनुप्रास अलंकार, और ट्रांसपोर्ट एपिटेट का मतलब होता है बेटा उपाधि विशेषण, और ऑक्सीमोरन विरोधाभास। ठीक है बेटा, ये आ रहा है कमेंसमेंट ऑफ एडजस्ट वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी जो एक ही अक्षर बार बार आता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार, क्या कहते हैं उसे अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आईसाइट, क्या कहेंगे इसके लिए, क्या वन वर्ड आएगा, ऑप्टिशियन, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजिस्ट, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको जल्दी से बताना है, कोई नहीं राम, नेटवर्क स्लो हो सकता है बेटा, नेटवर्क स्लो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस कल बेटा मॉक टेस्ट कराऊंगा, बाकी कल देखेंगे, आज भी थोड़ा सा मेरी तबीयत भी हल्के साथ थोड़ा ढीली है, हाँ बिल्कुल आई एम नॉट फीलिंग सो वेल टुडे, यस। सो ऑप्टिशियन होता है बेटा चश्मा बनाने वाला, कौन होता है बेटा चश्मा बनाने वाला, यस।
ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होता है बेटा नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र विज्ञानी भी कहते हैं बेटा, नेत्र विज्ञानी। फिजियोलॉजी होता है बेटा शरीर विज्ञान। और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट होता है बेटा स्नायु विज्ञान, स्नायु विज्ञान। इसका ऑप्शन हो गया बेटा बी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग इन एरिया, उसे क्या कहेंगे, उसके लिए क्या वन वर्ड आएगा, डैम, माउंट, डाइक और एम्बैंकमेंट, क्या कहेंगे, जल्दी से आपको बताना क्या कहेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे, डेमिस बांध, मानिस टीला, डायग्निस भी बांध होता है, अंतर बताऊंगा दोनों में भी, और एम्बैंक होता है बेटा तटबंधक, क्या होता है बेटा तटबंधक, जो देखिए इसमें एक वर्ड इसमें यूज किया गया है बेटा, हाँ, प्रिवेंट फ्रॉम फ्लडिंग एरिया, बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए जो नदी या नहर पर या जो बांध बनाया जाता है बेटा उसके लिए आता है डाइक, क्या वर्ड आता है बेटा उसके लिए, हाँ उसके लिए वर्ड आता है डाइक, ठीक है। और ये बांध बड़ा जो नदी में बनाया जाता है, बाल नदी पे बनाया जाता है अलग प्रोजेक्ट के लिए, वाटर लेवल के लिए या बिजली वगैरह उत्पादन करने के लिए वो बनाया जाता है, वो होता है, और ये बाढ़ से बचने के लिए स्पेशल बनाया जाता है बेटा, उसके लिए हम यूज करते हैं डाइक को। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देन क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है बेटा, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड एनोदर, उसे क्या कहेंगे, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड एनोदर, जल्दी से आपको आंसर देना है, इम्पोज, रिपोज, जक्टेपोस्ट एंड एक्सपोज, जल्दी से आंसर देना। इम्पोज मीन्स थोपना, रिपोज मीन्स आराम करना, जक्टेपोज मीन्स होता है बड़ा निकट रखना, और एक्सपोज मीन्स प्रकट करना या उजागर करना, तो इसका आंसर हो गया बेटा सी। अगला क्वेश्चन है 23, एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, क्या कहेंगे उसको, ऑप्शन वन है डर्माटोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट, क्या कहेंगे उसे, जल्दी से आपको बताना, जल्दी से बताना है बेटा क्या उसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल बेटा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 का आपको आंसर देना है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देना है, अगले दो मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाए। ओके मिसाली, ओके डियर, ओके डियर, टुडे आई एम स्टिल नॉट फीलिंग सो वेल, यस। डर्मोलॉजिस्ट होता है बेटा त्वचा विशेषज्ञ, जूलॉजिस्ट बेटा जीव विज्ञानी, जीव विज्ञानी, और जितना बड़ा पक्षियों से बड़ बनते हैं वो, और ऑर्निथोस से बनते हैं उसको हो गए हैं बड़ा पक्षी विज्ञानी, और ये होता है बेटा अंतरिक्ष यात्री। इसका आंसर हो गया सी।
देन अगला क्वेश्चन होता है बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, क्या कहेंगे इसे, बोला मोर्चरी, मॉन्स्टरी, सेनेटोरियम एंड क्रिमेटोरियम, क्या कहेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत आता है पेपर में, क्या कहेंगे उसे जल्दी से बताइए, क्या कहेंगे बेटा जल्दी से बताइए। मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मोर्चरी होता है बेटा शमशान, मॉनेस्ट्री में से मठ, सेनेटोरियम होता है बड़ा स्वास्थ्यालय, स्वास्थ्यालय, और क्रेमेटोरियम होता है बेटा शवदाह गृह, दबाते है बेटा, दोबारा से आगे लिख देता हूँ, सब दाह ग्रह, इसका करेक्ट आंसर है बेटा ए। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं सबसे चाहता हूँ, वन हू ब्रीक द एस्टेब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेज, ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी पेसिमिस्ट, ऑप्शन सी फिलैंथ्रोप एंड ऑप्शन डी फिलिस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैं सबसे चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जल्दी से दे, सबसे पहले मैं देखता हूँ 25 का आंसर कौन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, जल्दी से बेटा 25 का आंसर आपको दे देना है। यस, इसका आंसर बेटा है इकोनोक्लास, वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है, बिल्कुल घुमा के पूछ लिया है। हाँ, इसमें दे दिया, देखो एस्टेब्लिश जो ट्रेडिशन है, इमेजेस हैं, उसको वो नियमों को तोड़ता है, उसको इकोनोक्लास्ट कहते हैं। पेसिमिस्ट होता है बेटा निराशावादी, मिसेंथ्रोपी होता है बेटा मानव मानव द्वेषी, और फिलिस्टाइन होता है बेटा आपको मैंने अभी बताया था संस्कृति विमुख, संस्कृति विमुख, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तो फिर भी मैंने कोशिश की है, हाँ, ताकि आपको एक कंटिन्यू क्लास दे पाऊँ। कल मॉक टेस्ट के साथ प्रेजेंट होऊंगा, उम्मीद करूंगा अधिक से अधिक स्टूडेंट कल की क्लास अटेंड करेंगे। नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होती है, टिल देन गुड बाय।